सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आपका टॉप शेयर टुडे चैनल में स्वागत है। आज बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। कल की बिकवाली का असर आज भी बाजार में दिख रहा है। बाजार के उतार चढ़ाव के बीच पैसे निवेश करने के अच्छे मौके दे रहा है। हमें किस स्टॉक में अभी पैसे निवेश करने पर ज्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है? आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस स्टॉक में अधिक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या कंटिन्यूशन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। आज के स्टॉक का नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टॉक का वॉल्यूम देखें तो स्टॉक का आज के दिन ओपन हुआ 463 रुपए पर। स्टॉक ने हाई भी 463 रुपए की प्राइस को ही लगाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में लगभग 47 रुपए की करेक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक आज के दिन 10% से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुकाएगा। स्टॉक के वॉल्यूम की बात करें नंबर ऑफ शेयर्स में तो बायर क्वालिटी खरीदने वालों के नंबर है 12,05,700 क्वालिटी, तो वहीं पर सेलर्स क्वालिटी है 16,39,265 क्वालिटी। तो बायर्स के मुकाबले सेलर्स के नंबर काफी ज्यादा है। ट्रेड वॉल्यूम की बात करें नंबर ऑफ शेयर्स में तो लगभग 4,38,42,993 क्वालिटी देखने को मिल रही है। तो स्टॉक में बड़ी वॉल्यूम के साथ स्टॉक में लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। स्टॉक के प्राइस में गिरावट देखने को मिली है। तो इस स्टॉक से साफ पता लगता है कि इस स्टॉक में एक वीक ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में बड़ी मात्रा में सेलर्स भारी होते हुए नजर आ रहे हैं इस स्टॉक में। स्टॉक के रिटर्न्स की बात करें तो पीछे की एक सप्ताह के अंदर स्टॉक में 5.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो वहीं एक महीने में 3% की तेजी, 3 महीने में 60%, 6 महीने में 95% और 1 साल के अंदर 266% से भी ऊपर के रिटर्न देखने को मिले हैं। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक बड़ी तेजी बनती हुई नजर आ रही है, परंतु इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर पीछे की एक सप्ताह से स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में लगातार निचले लेवल पर काफी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, जहां पर स्टॉक में एक टॉप बना 425 रुपीज का। इस पॉइंट पर स्टॉक में एक टॉप लगाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली है, जहां पर स्टॉक ने 371 रुपीज के प्राइस को सपोर्ट बनाया और ये स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज बोन में ट्रेड करता रहा, पर जैसे ही स्टॉक ने अपने पुराने हाई को ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ने एक नया हाई बना दिया 480 रुपीज का। 480 रुपीज के स्टॉक में एक टॉप बना। ऊपरी लेवल पर आज के दिन एक बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, जहां पर स्टॉक का पिछला हाई था उसके करीबन स्टॉक ट्रेड कर रहेगा। अब इस स्टॉक का जो नीचे का बड़ा सपोर्ट लेवल है वो अराउंड 380 रुपीज पर है, जो कि अभी काफी ऊपर वहां से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 420 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 500 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।